हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ टाटा मोटर शेयर के बारे में। पिछले दो दिन से कंटिन्यू शेयर पे वीडियो बना रहा हूँ और कंटिन्यू कह रहा हूँ कि फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि शेयर अभी अभी करेक्ट हुआ है और ये करेक्शन केवल प्रॉफिट बुकिंग का नहीं है, इस पे गाइडेंस का आउटलुक नेगेटिव हो गया है। उसके बाद से शेयर वहीं पे नीचे रहा है, लेकिन एक आध बीच में बाउंस बैक दिया था, 320 तक गया था, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि नई पोजीशन बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि अभी शेयर में मुझे नहीं लगता कि बाउंस बैक आने वाला है। ये केवल और केवल इतना ज्यादा गिर गया उसका 1-2%, जिसने पोजीशन काटी होगी जो डाउनफॉल में आ रहा होगा, या फिर नई पोजीशन बन रही होगी लालच में आके जिन्हें न्यूज नहीं देखी होगी, उसकी वजह से केवल और केवल थोड़ा बहुत बाउंस बैक था, लेकिन वो हो गई पुरानी बात। अभी की बात करें तो शेयर ट्रेड कर रहा है 305 रुपये पे, 305.60 के लेवल्स पे शेयर ट्रेड कर रहा है। मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन 0.75 पैसे की। आज की बात करें तो शेयर ने बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं दी है, 310 के सुबह से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव हो सकता है। मैं आपको बता दूं, शेयर ओपन हुआ 305.80 पे, उसके बाद शेयर ने लो लगाया 301.85 का, जो कि मेरा SLB था 300 रुपये का। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है वो भी ऊपर के लेवल पे, उनके लिए था ये SL, नई एंट्री की साफ मना कर रखी है मैंने, बिल्कुल भी ना बनाए। आगे की रणनीति क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, क्या अब नई पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं, और जिनकी ऊपर के लेवल पे पोजीशन है उनके लिए क्या हो सकता है मेरा SL और क्या हो सकता है टारगेट, या क्या उनकी रणनीति हो सकती है, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ एक दो खबर भी सामने आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अपनी आज की इस वीडियो में टाटा मोटर को पूरा कवर करने वाले हैं, तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा गाइस, अब देखने की वाली बात यह है कि आज के दिन शेयर में बिल्कुल मूवमेंट नहीं आई है। जो 305 से ओपन हुआ 301 तक गया, वो मात्र फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए गया है, तुरंत बाउंस बैक देखने को मिला 308 के लेवल्स आए, और उसके बाद से शेयर बिल्कुल फ्लैट काम कर रहा है 305-67 के लेवल्स पे, अभी भी 305.50 पे है। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के दिन वॉल्यूम भी ज्यादा कोई देखने को नहीं मिले। ऐसे में आगे की रणनीति क्या करनी होनी चाहिए आपकी, तो सबसे पहले फ्रेश एंट्री वालों की बात करूं तो मेरे हिसाब से ना एक अब फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, और केवल रिस्की ट्रेडर ही बनाए। जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या बिल्कुल मतलब डरते हैं लॉस से या बहुत कुछ, तो वो कृपया इससे अभी दूर रहें। जो रिस्की है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक आप रिस्क लेके 300 रुपये के SL से 300 रुपये के SL से बाय करें, 305 के लेवल पे बाय करें, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से, और आपका टारगेट, पहला टारगेट 312 है, दूसरा 315 है, यानी कि आप 7 से 12-13 रुपये के टारगेट के लिए आप 5 रुपये का SL पे कर रहे हैं। तो अभी आप रिस्की हैं थोड़ा, तो ही इसमें काम करें, अदरवाइज इस स्टॉक से अभी आप दूर ही रहें। अब बात कर लेते हैं कि जिनकी पोजीशन ऑलरेडी फंसी हुई है उनके लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ न्यूज़ की बता दो। तो न्यूज़ की मैं आपको बता दूं कि गाइस, जो सेल के रिजल्ट सामने आए, नतीजे सामने आए, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन शेयर बिल्कुल भी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा। शाम के टाइम आते हुए दिखे थे जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 134% की जंप आपको नॉर्मल उसमें देखने को मिली है व्हीकल में, और JLR वगैरह में 134% की जंप आपको JLR में देखने को मिली है, और 160+% की जंप आपको नॉर्मल होलसेल मार्केट में यूनिट्स में देखने को मिली है। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार थे, लेकिन वही गाइडेंस जो आउटलुक नेगेटिव हो गया है चिप के कारण, शॉर्टेज ऑफ चिप के कारण, उसके कारण शेयर अभी भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसे में गाइस अगर बात करें ब्रोकरेज हाउसेज की, तो इस पर अभी भी वो लोग मानते हैं कि 400+ के टारगेट है उनके, किसी का 451 का है तो किसी का 410 का है, हालांकि एक न्यूट्रल भी हो गए जिनका टारगेट न्यूट्रल होने के बावजूद भी 400 के लेवल्स का है शेयर, वहां से अच्छा खासा है, 33% की अपसाइड है यहां से देखा जाए तो। लेकिन अभी क्या, अभी जो मुझे जो लगता है वो मैंने जैसा कि आपको कहा, देखो गाइस 300 के लेवल का तो आपका एक SL होना चाहिए, लेकिन 300 के बाद भी शेयर में ऐसा नहीं है कि फॉल आ जाएगा। 300 के बाद 289 पे बहुत ही हैवी सपोर्ट बैठा है, जिसके नीचे आप लोग देखोगे कि शेयर पिछले 3 महीने का जो लो है वो 289 का है, तो वो एक तरीके से आपका बहुत तंगड़ा SL हो सकता है। और 3 महीने नहीं, इनफैक्ट आप जब से वो गेन होना शुरू हुआ है, यानी कि 280 मेरे को दिख रहा है, 6 महीने 280 से वो गेन हो रहा था, तो गेन जब होता है, जब शेयर चल रहा होता है, तो उसे तो ऐसा ले नहीं सकते, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन हुआ है वो 289 का है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता वो क्रॉस करने वाला है। और हाई बीटा स्टॉक है, किसी दिन चलना शुरू होगा तो आप लोगों के हाथ से निकल सकता है, तो अभी अपनी पोजीशन तो काटे ना, क्योंकि ये अब टाइम नहीं है कि आप लॉस लें या फिर बुक करें। 320 के करीब भी आप अगर करते हो तो ठीक है, हाँ भाई वहाँ से नीचे की गुंजाइश ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से मुझे नीचे की गुंजाइश ज़्यादा नहीं लगती है। तो अब जिसके पास पोजीशन और वो
लॉस में तो अपनी लॉस को बनाए रखें अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मुझे एक तो मार्केट भी करेक्ट हो गया, मार्केटिंग में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, तो रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा है, हो सकता है शेयर दे दे। और इनफैक्ट आज के दिन तो शेयर ने मूव भी नहीं दिया बिल्कुल भी, आप देखेंगे तो मार्केट काफी ज्यादा आज 100 पॉइंट्स तक डाउन हो गई थी, अभी भी 50 पॉइंट्स की डाउनसाइड देखी जा रही है मार्केट में। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में भी कोई ऐसी तेजी नहीं है, ना बिकवाली है, लेकिन फिर भी शेयर मूवमेंट बिल्कुल नहीं दे रहा आज। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें अपनी पोजीशन को, लॉस अभी बुक ना करें, बने रहें। मुझे लगता है दोबारा शेयर कहीं ना कहीं ऊपर आ सकता है, और जब तक शेयर 330 और 325 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक शेयर में फ्रेश आई लगते हुए मुझे नहीं दिखते हैं। लेकिन आगे का जो टारगेट है वो बन सकता है 350 360 के तक के दोबारा टारगेट्स आ सकते हैं। अपनी पोजीशन बना रखें, फ्रेश एंट्री रिस्की ट्रेडर बाय करके जा सकते हैं, और अगर जो नई रिस्क लेना चाहते हैं और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो दोबारा बाय करना चाहते हैं एवरेज, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आप भी 300 के लेवल को वॉच करें। 300 ब्रेक करता है तो 295-290 के लेवल्स पे दबा के माल उठा लें, दबा के इनफैक्ट आप जितना एवरेज करना चाहें उतना। ये नहीं है कि आपने पहले ही 2000 शेयर बाय कर रहे हैं अभी यहाँ पे 1000 और करें, नहीं, जैसे आप 100-500-200 और ऐड कर सकते हैं अपनी रिस्क और अपनी क्वांटिटी के देखते हुए, उतनी क्वांटिटी बाय करें जितनी हमने ऑलरेडी बाय करी, उसको एवरेज करने के लिए जितनी आपको जरूरत हो उतनी बाय कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता 289-285 के नीचे शेयर जाना चाहिए या फिर क्लोजिंग देनी चाहिए, शेयर में दोबारा बाउंस बैक आएगा और शार्प बाउंस बैक आ सकता है, जहां पे आपका 320 तक तो आना ही चाहिए शेयर, उसके बाद अगर क्लोजिंग मिलती है उसके ऊपर तो ऊपर के लेवल्स खुलते जाएंगे धीरे धीरे। ये मेरी वीडियो टाटा मोटर्स पे, होप आप सभी को पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।